राज्य में पंचायत चुनाव हो रहा है, बता दें कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव करने की अधिसूचना जारी हो गई है और कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता भी लागू है। तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। साथ ही साथ बता दें किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार से अवैध जो शराब कारोबारी हैं उनको पकड़ा जाए और पंचायत चुनाव में खास करके कहीं भी किसी प्रकार से शराब की बिक्री ना हो। ऐसे में विभाग के मंत्री क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो कल भी एक चरण है, परसों मेरे ख्याल से, तो उसको लेकर के मध्य निषेध विभाग जो है और पुलिस विभाग काफ़ी सचेत है और हमने पूर्व से, जैसा कि हमने बताया, पूर्व से हम लोगों ने निर्देश दिया है विभाग की ओर से भी कि पुलिस विभाग और मध्य निषेध विभाग आपस में समन्वय बना करके और छापामारी करें और जो भी इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी करें, वाहन चेकिंग करें, जो बॉर्डर पर पोस्ट हैं वहाँ सघन चेकिंग करें। तो आप देख रहे होंगे कि इस दौरान पुलिस भी बहुत सक्रिय है और एक्साइज विभाग के लोग भी सक्रिय हैं, इसी वजह से काफ़ी वाहन भी जब्त हुए हैं। और ये बात सही है कि कई जगहों पर जो उम्मीदवार हैं कोशिश करते हैं कि अवैध शराब का को सप्लाई करें, लेकिन वैसे भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो हम समझते हैं कि पूरे इलाके में, खास करके जहां आने वाले चुनाव हैं वहां पर हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक गिरफ्तारियां होंगी। तो जैसा कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पर बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर के मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से कमर कसी हुई है। लगातार शराब कारोबारियों पर धरपकड़ की जा रही है, लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर के मद्य निषेध विभाग और राज्य की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार बॉर्डर एरियाओं पर और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चेकिंग भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें कि वैसे शराब माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है जो हमेशा से शराब में संलिप्त रहते हैं और कहीं ना कहीं पंचायत के चुनाव प्रचार प्रसार में इन लोगों की संलिप्तता बढ़ जाती है। ऐसे में उन लोगों को धरपकड़ के लिए मद्य निषेध विभाग और राज्य की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सहयोगी अशोक के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।